इस फिल्म की शुरुआत में हम एक आदिवासी को देखते हैं, जो कि फॉरेस्ट में किसी से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। सडनली तभी गलती से वो पानी में गिर जाता है। इससे पहले कि वो शख्स पानी से निकल पाता, उससे पहले ही कोई अनजान सी चीज उसे पानी में खींच ले जाती है। सीन यहाँ से कट होकर कुछ लोगों की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों के दरमियान में मीटिंग चल रही होती है। इस सब के दौरान ही वो हेड उस शख्स से कहता है कि तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि तुम जल्द ही कैंसर की मेडिसिन हम लोगों के सामने पेश करोगे, लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, बल्कि तुम अपनी बात से मुकर गए। इसी वजह से अब हम ये प्रोजेक्ट तुमसे छीन कर किसी दूसरी कंपनी को दे देंगे। ये सुनकर वो शख्स अपने खास आदमी डॉक्टर जैक को उन्हें सब कुछ बताने को कहता है। डॉक्टर जैक उन्हें बताते हैं कि हमें रेड फ्लावर के बारे में पता लगा है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल फ्लावर है, क्योंकि उस फ्लावर में कैंसर के अलावा और भी लाइलाज बीमारियों का इलाज मिल सकता है। और ये बात हमें तब पता लगी जब हमने उस फ्लावर पर रिसर्च की थी, लेकिन वो फ्लावर अब हमारे पास नहीं है, क्योंकि रिसर्च के दौरान में ही वो फ्लावर जलकर खत्म हो गया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वो प्लेस पता है जहां से हमें ये फूल मिल सकता है। हमें जल्द से जल्द इस फ्लावर को हासिल करना होगा, क्योंकि ये फ्लावर 7 सालों में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खिलता है, और अब हमारे पास काफी कम वक्त बचा हुआ है। जैक की बात सुनकर वहां पर मौजूद जितने भी कंपनी के मालिक होते हैं, वो जैक को जल्द से जल्द उस प्लेस की तरफ जाने का कहता है। इसी वजह से नेक्स्ट डे जैक अपने टीम मेंबर्स के साथ तट तक पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि वेदर काफी ज्यादा रेनी होता है, इसी वजह से कोई भी इन्हें लेकर उस प्लेस यानी फॉरेस्ट में ले जाने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन एक शख्स को जैक काफी ज्यादा पैसे खिलाकर वहां जाने के लिए रेडी कर लेता है। इसके बाद ये सब बोट में सवार होकर उस फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इन लोगों को आगे बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा टाइम गुजर जाता है और अब तो दिन भी ढलने लगा था। उसी पल विल का मंकी आम खाने के लिए पेड़ से लटक जाता है, लेकिन तब तक बोट काफी ज्यादा आगे निकल गई होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग विल हर तरफ अपने मंकी की सर्च कर रहा होता है। वहीं पर जैक की ग्रुप की एक लड़की फोन पर बात कर रही थी। सडनली तभी बोट का गेट ओपन हो जाता है, जिस वजह से वो लड़की पानी में गिर जाती है। विल उसकी तरफ रोप भी फेंकता है, लेकिन तब तक वहां पर क्रोकोडाइल आ जाता है, जो कि तेजी से उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर विल उस लड़की को सेव करने के लिए पानी में कूद जाता है और वो नाइफ से काफी ज्यादा अटैक्स करके क्रोकोडाइल को मार डालता है। इसके बाद वो लड़की को सेव करके ऊपर बोट में आ जाता है। उन लोगों के वहां से जाने के बाद हम नोटिस करते हैं कोई जीव क्रोकोडाइल को पानी के नीचे ले गया है। कुछ पलों बाद विल का मंकी भी दोबारा से बोट में वापस आ जाता है। विल अपने मंकी को दोबारा से पाकर काफी ज्यादा खुश था। नाइट में काफी तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से जैक के ग्रुप में से एक शख्स उसे राब्ता करता है कि बारिश लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिस वजह से सी में मौजूद पानी भी बढ़ रहा है। हम लोगों को जल्द से जल्द अपनी बोट को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, वरना बोट पानी में डूब भी सकती है। लेकिन विल किसी तरह बोट को काबू में कर लेता है और वो बोट के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। इसी तरह मॉर्निंग हो जाती है और अब तूफान भी शांत हो गया था। कुछ दूर बढ़ने के बाद ही इनकी बोट का फैन जैम हो जाता है। इस वजह बोट खुद ब खुद ही कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही होती है। जैक उस फैन को ऑन करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नाकाम रहता है। कुछ दूर आगे जाकर इनकी बोट भी बहुत बड़े झरने से नीचे गिर जाती है, लेकिन ये सब तो बच जाते हैं और इनमें से कोई भी शख्स ज्यादा इंजर्ड नहीं होता है, लेकिन इनकी बोट पूरी तरह से टूट गई थी। विल उन्हें राब्ता करता है कि घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका फ्रेंड दूसरी नदी में बोट चलाता है। हम लोगों को सबसे पहले उसी के पास पहुंचना होगा। उस नदी तक जाने के लिए इनके पास बस 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता पानी से होते हुए गया है, यानी अगर हम पानी के रास्ते आगे बढ़ते रहें तो हमें उस रिवर तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 दिन का वक्त तो जरूर लगेगा, लेकिन अगर हम फॉरेस्ट के रास्ते आगे बढ़ते हैं तो हम शाम तक ही उस रिवर तक पहुंच सकते हैं।
लेकिन इस रास्ते में खतरा ज्यादा है। इसके बाद विल सैटेलाइट फोन के जरिए अपने दोस्त से राब्ता करता है और वो उससे हेल्प मांगता है। इस बात पर विल का फ्रेंड उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। बाद में ये सब फॉरेस्ट के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। दौरान में ही उन्हें छोटी सी नदी मिलती है, इसी वजह से वो सब उसी से आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके ग्रुप में जो सबसे पीछे वाला शख्स होता है उसे सडनली ही कोई पकड़कर नीचे खींच लेता है, लेकिन वो शख्स किसी तरह खुद को संभालते हुए ऊपर आता है। तब वहां पर ही एनाकोंडा दोबारा से आ जाता है और वो उस पर अटैक कर उसे मार डालता है। एनाकोंडा को देखकर वो सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो किसी तरह जल्दी से पानी के बाहर आ जाते हैं। विल उन्हें राब्ता करता है कि फॉरेस्ट में इतने बड़े सांप यानी एनाकोंडा का दिखना लाजमी सी बात है, लेकिन टेंशन मत लो क्योंकि अब वो दोबारा हम में से किसी पर भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी हेल्दी इंसान को खाने के बाद एनाकोंडा को हफ्तों तक भूख नहीं लगेगी। जैक के ग्रुप की एक मेंबर एनाकोंडा को देखकर काफी ज्यादा घबरा गई थी, इसी वजह से वो उस मिशन को खत्म करने का कहती है, लेकिन जैक उसकी कोई भी बात नहीं मानता है। उसके जहन में एनाकोंडा को लेकर कोई भी खौफ नहीं था क्योंकि उसके अंदर ग्रीड जो थी जल्द से जल्द रेड फ्लावर को हासिल करने की। वे में चलते हुए विल उस लड़की को सारी बातें राबता कर देता है कि कैसे जैक ने उसे काफी ज्यादा पैसे खिलाए थे ताकि जैक इस फॉरेस्ट के खतरों के बारे में किसी को भी ना बताए, क्योंकि अगर पहले से ही सबको इसके बारे में पता होता तो कोई भी शख्स फॉरेस्ट में आने के लिए राजी ही नहीं होता। इधर जैक का फ्रेंड कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसकी बोट में एनाकोंडा आ जाता है जो कि उस शख्स पर अटैक कर उसे मार डालता है। इधर विल और बाकी सब आगे बढ़ रहे होते हैं, तब जैक के ग्रुप में से एक मेंबर को अपनी नेक पर काफी ज्यादा पेन होता है, इसी वजह से वो ये बात बाकी लोगों को भी बताता है। तब चेक करने पर विल को वहां काफी सारे खून चूसने वाले इंसेक्ट दिखाई देते हैं, इसी वजह से विल उन सबको उसकी बॉडी से दूर कर रहा होता है। इतने में दूसरा साथी शू में से पानी निकालकर उसे दोबारा से पहनने वाला था, तब उसका दूसरा फ्रेंड उसे ऐसा करने से रोकता है और वो उसे शू में दिखाता है कि इसमें काफी जहरीली स्पाइडर थी और अगर ये तुम्हें बाइट कर लेती तो तुम्हारी डेथ भी हो सकती थी। बाद में वो उस पॉइजनस स्पाइडर को अपने पास रख लेते हैं ताकि वो उसके भी पॉइजन से मेडिसिन बना सके। कुछ पलों बाद विल को रिवर की तरफ से काफी तेज धुआं निकलता हुआ नजर आता है, इसी वजह से वो सब वहां पर पहुंचते हैं। उन्हें पता लगता है कि उनके फ्रेंड की बोट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई है, क्योंकि एनाकोंडा के उसके फ्रेंड को खाने के बाद बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। विल को फील हो जाता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो एनाकोंडा हैं, मेल और फीमेल। खैर बाद में वो उस बोट से खाने पीने और जरूरत का सारा सामान ले लेते हैं। विल बाकी सबको राबता करता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो एनाकोंडा हैं। दूसरा एनाकोंडा इनके इलाके में इस वजह से आया है क्योंकि ये टाइम इनके मीटिंग का है। बातों ही बातों में जैक के ग्रुप का एक सदस्य सबको राबता करता है कि इस फॉरेस्ट में आदिवासी लोग रहते हैं, अगर हम किसी तरह उन तक पहुंच गए तो हम उनकी बोट लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। सब लोगों को ये प्लान काफी अच्छा लगता है, इसी वजह से वो उसकी बातों पर अग्री हो जाते हैं। लेकिन जब ये सब आदिवासियों के पास पहुंचते हैं तो ये सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर कोई भी आदिवासी मौजूद नहीं था, मौजूद थे तो बस उनके स्कल्स। उन स्कल्स को देखकर ये समझ जाते हैं कि जब आदिवासी ही एनाकोंडा से खुद को नहीं बचा पाए तो उनके बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसी वजह से वो सब उस फॉरेस्ट से जल्द निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जैक उनकी कोई भी बात नहीं मानता है और वो कहता है कि वो बिना फ्लावर लिए यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसी वजह से नाइट में ये खुद ही बोट बनाकर वहां से निकलने का डिसाइड करते हैं। जैक के एक साथी को जैक के सामान में से सैटेलाइट फोन और फ्लेयर गन मिल जाती हैं। इसका मतलब ये था कि जैक चाहता तो हेल्प यहाँ पर बुला सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो चाहता था कि जब तक उसे वो फूल न मिल जाए तब तक कोई भी इस फॉरेस्ट से न जाए। उसी दौरान जैक भी वहां पर आ जाता है, अब क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसकी सारी रियलिटी वो जान चुका है,
इसी वजह से वो उसे उसी पॉइजनस स्पाइडर से बाइट करवा देता है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैलने लगता है। जैक के वहां से जाते ही एनाकोंडा भी वहां पर आ जाता है। बाद में जब बाकी लोग वहां पर देखते हैं, तब तक वहां आग लग चुकी थी और उनका साथी भी आग में जलकर मारा गया था। इसके साथ ही जैक बोट को लेकर वहां से भाग गया होता है। अब सब लोगों को पता लग गया था कि जैक ने ही उनके साथी को मारा है। इसके बाद ये सब उस फ्लावर तक पहुंचने के लिए दूसरे वे से होकर जा रहे होते हैं। बाकी लोग तो उस जगह से निकल जाते हैं, लेकिन आखिरी शख्स के बाहर आते ही सडनली एनाकोंडा भी वहां पर आ जाता है, जिसे जैक की साथी मार डालती है। लेकिन सडनली एक और एनाकोंडा वहां आता है और वो उसे लेकर वहां से, विल भी उसे फॉलो करता है और बाद में वो उसे मार देता है। इसके बाद ये सब वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर जैक था। तभी जैक भी उन्हें नोटिस करके उन पर गन पॉइंट कर देता है और वो उस लड़की से रेड फ्लावर लाने के लिए कहता है। वो लड़की फ्लावर से भरा बैग उसे दे देती है। तभी विल उस पर अटैक कर देता है, जिससे बैग दूर गिरता है और स्पाइडर आजाद हो जाती है। बाद में जब वो बैग पहनता है तो स्पाइडर उसे बाइट कर लेती है, जिस वजह से उसकी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है और वो नीचे जाकर गिरता है। बाद में दूसरा एनाकोंडा भी आ जाता है, लेकिन तब तक वो फ्लेयर गन से एनाकोंडा पर अटैक कर देता है। इधर वो लड़की भी नीचे एनाकोंडा के पास गिर जाती है, लेकिन तब वो जायंट जैक को खा रहे थे, इसी वजह से वो लड़की ऊपर आ जाती है। इतनी ही देर में फ्लेयर गन की वजह से वहां ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से मिट्टी नीचे गिरती है और दोनों एनाकोंडा वहीं पर दब जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब बोट में बैठकर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।